आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मीटू अभियान के तहत यौन शोषण के आरोपों में चौतरफा दबाव झेल रहे विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने सफाई देते हुए कहा कि साक्ष्य के बिना आरोप एक वायरल बुखार बन गया है। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को उन्होंने बेबुनियादी बताया है और कहा कि अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। आपको बता दें, पत्रकार और लेखक एमजे अकबर कई अखबारों के संपादक रहे हैं। उनके ऊपर अब तक 11 महिला पत्रकारों ने मीटू अभियान के तहत आरोप लगाया है। अकबर पर पहला आरोप प्रिया रमानी नाम की वरिष्ठ पत्रकार ने लगाया था, जिसमें उन्होंने एक होटल के कमरे में इंटरव्यू के दौरान की अपनी कहानी बयां की थी। रमानी के आरोपों के बाद अकबर के खिलाफ आरोपों की बाढ़ आ गई है और एक के बाद एक कई अन्य महिला पत्रकारों ने इन पर संगीन आरोप लगाए हैं। अकबर पर ताजा आरोप एक विदेशी महिला ने लगाया है, जो विदेशी महिला पत्रकार हैं। 2007 में जब वह इंटर्नशिप के लिए आई तो वो सिर्फ 18 साल की थी। उनके साथ एमजे अकबर ने गलत हरकत करने की कोशिश की थी। रविवार को अफ्रीका के दौरे से लौटे विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने सफाई देते हुए कहा कि साक्ष्य बिना आरोप कुछ वर्गों के लिए एक वायरल बुखार बन गया है। ये जो भी मामला है, अब मैं लौट आया हूँ। मेरे वकील इन सभी आधारहीन आरोपों को देखते हुए आगे की कार्यवाही करेंगे। अकबर ने सवाल किया कि लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले इस तरह का तूफान क्यों खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप गलत हैं, मनगढ़ंत हैं और आधारहीन हैं और इसमें मेरी छवि को अपूर्णीय क्षति हुई है। अकबर ने कहा कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन उसमें जहर होते हैं। वे उचित कानूनी कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकार प्रिया रमानी ने यह कैंपेन एक साल पहले एक पत्रिका में लेख के माध्यम से शुरू किया था। उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया क्योंकि वो जानती थी कि उनकी कहानी गलत है। छतरपुर जिले के चंदला के बीजेपी विधायक आरडी प्रजापति जमकर आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आए। प्रजापति आचार संहिता का उल्लंघन कर जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी विधायक खुलेआम कमल और नेताओं की तस्वीरों से सजे रथ में सवार रैली निकाल रहे हैं। इनको जिला निर्वाचन अधिकारी का कोई डर नहीं है। यह तो आचार संहिता को ठेंगा दिखाकर अपने प्रचार में लगे हैं। तेज आवाज में डीजे भी बजा रहे हैं। कई सरकारी योजनाओं और विधायकों के कराए गए कामों का बखान भी कर रहे हैं। वहीं मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विधायक अपने नाम और तस्वीर की टी शर्ट भी बांट रहे हैं, जिसमें आरडी प्रजापति के नाम और तस्वीर के साथ कमल का निशान भी छपा है। अब जिम्मेदार अधिकारियों से जब विधायक द्वारा भाजपा में रथ निकालने, विधायक के नाम और तस्वीर छपी टी शर्ट के बांटे जाने के मामले में बात की तो देखिए वो कैसे अपना पल्ला झाड़ते नजर आए और जांच की बात करते भी नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, फोन पर बात करेंगे हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, आचार संहिता का जमकर उल्लंघन हो रहा है। निश्चित रूप से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। चंदला विधायक आरडी प्रजापति द्वारा, इनके द्वारा 7 वाहनों का परमिशन ली गई थी जिला प्रशासन से, लेकिन इनके साथ जो वाहन चल रहे थे वो 22 वाहन थे और उनमें भी वो चिन्ह लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के, और सारे चीजों को लेके जिला प्रशासन ने उनके 16 वाहनों को जब्त कर लिया। जी दीपेंद्र, कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आए हैं, क्या कहना है कांग्रेसियों का? कांग्रेस का कहना है कि हम आचार संहिता को राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत करेंगे। जी शुक्रिया दीपेन। इधर कांग्रेस पार्टी बीजेपी विधायक को हमेशा से ही विवादित बताते हुए आचार संहिता के उल्लंघन करने पर इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कर रही है। ये विधायक जी का पूरा कार्यकाल ही विवादित रहा है और आज ये जो मामला सामने आ रहा है आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। विधायक जी के जो कृत्य रहे हैं वह कभी भी गंभीरता के साथ नहीं रहे हैं। जिस तरह से वो अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं सरेआम गाजे बाजे के साथ डीजे के लेकर, ये सब दर्शाते हैं कि उनको आचार संहिता का कतई भी सम्मान नहीं किया जा रहा है और वे खुला उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी करेंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि रैली के लिए मंडल अध्यक्ष द्वारा 7 गाड़ियों की परमिशन ली गई थी। अधिक गाड़ियां पाए जाने पर 13 वाहनों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। क्या है कि एसडीएम साहब के समक्ष मंडल अध्यक्ष द्वारा
अनुमति के लिए आवेदन पत्र दिया गया था रैली की अनुमति के लिए, और उन्होंने रैली की अनुमति विभिन्न शर्तों के तहत दी थी, और रैली में मात्र 7 चार पहिया वाहन की अनुमति थी, उसके अलावा उससे अधिक वाहन पाए गए उनकी शर्तों का उल्लंघन था, धारा 144 का उल्लंघन भी उसे पाया गया है, इसलिए यहाँ के गोरिया के तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट की गई है, उस रिपोर्ट के आधार पर थाने में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने कल अनुमति ली थी वाहन रैली के लिए, वो अनुमति दी गई थी, उसमें उन्होंने 7 वाहनों की अनुमति ली थी जिनको परमिट किया गया था, उसके विरुद्ध लगभग आज 12 से 13 वाहन उनकी रैली में ज़्यादा पाए गए, जिनको यहाँ भ्रमण के दौरान देखा गया, तुरंत रोका गया, जब्त किया गया, यहाँ थाने में रखवाया गया, अब उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। होशंगाबाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दौरे पर हैं, जहां पर अमित शाह नर्मदापुरम एवं भोपाल संभाग के 9 जिले होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा के पालक संयोजक, बूथ संयोजकों के साथ ही कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमित शाह का दौरा चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता को किस तरह चुनाव में जीत दर्ज कराना है मंत्र सिखाया जाएगा। शाह सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह शाम को होशंगाबाद पहुंचे। शाह की सुरक्षा के लिए जेट प्लस सुरक्षा के अलावा करीब 300 पुलिस जवान तैनात हैं। जो 14 अक्टूबर को है, इसमें गुप्ता ग्राउंड पे माननीय अमित शाह साहब पधार रहे हैं, और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टियों का कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है उसको वो संबोधित करेंगे। श्री अमित शाह को जो है वो जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी प्राप्त है, और उनके लिए जो सिक्योरिटी संबंधी मापदंड हैं जो सुरक्षा एजेंसियों ने निर्धारित किए हैं वो बड़े स्पेसिफिक नेचर के हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए इसमें जो CRPF की एक टीम आई हुई है और उनके साथ पूरा समन्वय बना के हम लोग जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। सम्मानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आ रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा देने के लिए, हमारे राष्ट्रीय नेता सभी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे सम्मानीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी आ रहे हैं, प्रभात जी हैं, हमारे प्रदेश महामंत्री जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, सभी अधिकांश नेता यहाँ पर पूर्ण तैयारी और सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से हम सब कार्यक्रम को स्थापित कर रहे हैं और संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। सुरक्षा की व्यवस्था भी वो पुलिस प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे पर करनी सेना के पदाधिकारियों ने बीजेपी कार्यालय में अमित शाह से मिलने का समय मांगा था। समय नहीं मिलने पर नाराज पदाधिकारियों ने अमित शाह के दौरे का विरोध किया और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को काले झंडे दिखाने के लिए एकत्रित हुए थे। करनी सेना के 11 पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सभी पदाधिकारियों को पुलिस ने बबई थाने पहुंचाया है। राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी के दर्शन करने गए एक ही परिवार के लोगों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ। ये सभी बेलेरो में सवार मां बम्लेश्वरी के दर्शन कर लौट रहे थे। आज सुबह 8 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रेलर से बेलेरो जा टकराई, जिससे एक ही परिवार के 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कल रात 9 बजे भिलाई कैंप वन से बुलेरो में एक ही परिवार के 12 लोग डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी के दर्शन करने निकले थे। दर्शन करने के पश्चात सुबह यह परिवार वापस भिलाई लौट रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामली के निकट यह बुलेरो एक ट्रेलर से जा टकराई और 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। मृतकों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। पूरी खबर पर नजर डालने के लिए हमारे संवाददाता संजीव पचौरी फोन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या है पूरी खबर? 10 लोग की तत्काल मृत्यु हो गई। मैं बता दूं आपको, ये राजनांदगांव की घटना है। राजनांदगांव जिले में पड़ता है भिलाई, और भिलाई के एक परिवार करीब 12 सदस्यों के साथ में ये निकले थे रात को अपना बम्लेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए। सुबह ये लोग 6 बजे मंदिर से निकले हैं और करीब 8 बजे सामली के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेलर टकराई है इनकी बेलोरे, और 8 लोग घटनास्थल पर ही मारे गए थे, जबकि 2 लोग जो है इलाज के दौरान मारे मृत हो गए हैं जी। और काफी दुखद घटना घटी आज सुबह की है जी। जी, शुक्रिया संजीव। इंदौर के तुकोगंज क्षेत्र में सालों पुराना रानी सती गेट का कुछ हिस्सा अचानक गिर गया।
आपको बता दें, रानी सती गेट सदियों पुरानी धरोहर है, जो काफी समय से जर्जर हालात में है। उसके बावजूद सरकार का ध्यान इसकी मरम्मत की ओर नहीं गया और नतीजा ये हुआ कि रानी सती गेट का कुछ हिस्सा अचानक भड़बड़ा कर गिर गया, जिस कारण क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर नागर ब्राह्मण समाज और गुजराती समाज के तत्वाधान में गरबा का आयोजन अरेरा कॉलोनी में किया गया। नागर ब्राह्मण महिला मंडल की अध्यक्ष अर्चना व्यास ने बताया कि सांस्कृतिक गतिविधियों के तहत नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे और गरबे का आनंद उठाया। बता दें कि नवरात्रि के चलते जगह जगह गरबा का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दखल न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।